हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आए हैं सुबह सुबह अपनी छत के ऊपर आए हैं और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये नज़ारा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर शूट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 4:30 बजे किस तरह का मौसम है, कितना शांत माहौल है। अभी लाइटें जल रही हैं सभी के घरों में, छतों में जो भी लाइटें लगी थी वो सारी जल रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा सवेरा होना शुरू हो गया है। 30 मिनट के बाद हम ऊपर से नीचे आए हैं, तो देखा है कि हमारे पति देव भी उठ गए हैं सो के। इनका भी सवेरा हो गया है, तो इनको सवेरे सवेरे गर्म पानी चाहिए होता है, तो इनके लिए हम पानी गर्म कर रहे हैं। हर किसी की आदत होती है दोस्तों सुबह सुबह गर्म पानी पीने की, किसी किसी के साथ समस्या होती है, किसी का पेट नहीं साफ़ होता है। तो यहाँ पे हम पेट साफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारी एनर्जी ड्रिंक है जो हम सुबह सुबह लेते हैं, दोनों लोग लेते हैं, पति पत्नी दोनों ही लेते हैं। ये हर्बल लाइफ का एफ्रेश है जो कि हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे लेते हैं। तो मेरा तो हो गया है और हस्बैंड के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 चम्मच भर के डाले हैं और इसी के ऊपर से हम गर्म पानी डाल देंगे, तो ये हमारी ड्रिंक अच्छे से तैयार हो जाएगी। किसी किसी को चाय कॉफ़ी पीने की भी आदत होती है, तो हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी सुबह सुबह नहीं पी जाती है, हम दोनों लोग यही एफ्रेश ही लेते हैं गर्म पानी में। और इसको पीने से एनर्जी आती है, बहुत सारी समस्याएं हमारी सॉल्व होती हैं इस ड्रिंक से। तो देखने में तो ये नॉर्मल पानी की तरह ही रहता है, लेकिन पीने में भी ये बिल्कुल हल्का ही रहता है, लेकिन इसको पीते ही आपको एनर्जी महसूस होने लगती है। ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, तो ये हम अपने हस्बैंड को दे देंगे, क्योंकि ये सो के उठ गए हैं। सुबह सुबह उठते ही इनको गर्म पानी चाहिए होता है। और अब हम बच्चों के लिए बनाएंगे नाश्ता, क्योंकि उनका टिफ़िन तैयार करना है, उन्हें स्कूल भी जाना है। तो बच्चे उठ चुके हैं, वो अपना मंजन ब्रश कर रहे हैं, इधर हम तब तक इनके लिए नाश्ता तैयार कर देते हैं। तो आज हम नाश्ते में बनाएंगे सब्जी और पराठा। तो यहाँ पर हम आलू और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। कल मैंने भिंडी बनाई थी, तो आज हम इनको कद्दू और आलू की सब्ज़ी देंगे और पराठा भी देंगे दोस्तों। तो ये फटाफट हमने सब्ज़ी कट कर ली है, मॉर्निंग का टाइम पर बहुत जल्दी रहती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम लापरवाही करते हैं तो बच्चों को काफ़ी लेट हो जाता है और बच्चों को स्कूल में डांट भी पड़ती है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी ही इनका खाना बनाएंगे। तो ये देखिए हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। कढ़ाई में दोस्तों हम तेल में डालेंगे मेथी दाना, ये हमने मेथी दाना यहाँ पर डाला है। हमारे यहाँ जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनती है तो हम उसको मेथी से ही छौंकते हैं, मेथी से छौंकने से कद्दू की सब्ज़ी में बहुत स्वाद आ जाता है। तो देखिए हमने प्याज, आलू और कद्दू ऐसे ही डाल दिए हैं धुल के, और इसे तेल में हम इसको डाल देंगे। उसके बाद से हम इसमें मसाले, सारे मसाले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे, और ये हमारी सब्ज़ी पक जाएगी दोस्तों। बच्चों को रोज़ रोज़ ब्रेड या उस तरह के सैंडविच वगैरह हम डेली नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं। वैसे तो स्कूल में भी अलाउ नहीं है, सैटरडे के दिन ही अलाउ है, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ऐसे अदर डे हम इनको सब्जी पराठा या सब्जी रोटी इस तरह से ही बांधते हैं, क्योंकि बिटिया बड़ी हैं, बच्चे हमारे बड़े हैं, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं हैं। बिटिया हमारी 10th क्लास में पढ़ती है बड़ी, और छोटी बेटी हमारी 7th क्लास में है, भैया हमारा 1st क्लास में है, तो ये सब पराठा रोटी वगैरह ये अच्छे से खा लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको कुछ अच्छा बना कर दे सकती हैं, सैंडविच वगैरह छोटे बच्चे पसंद करते हैं। तो देखिए हमने सब्जी छौंक दी है और ये सब्जी हमारी 5-10 मिनट में पक जाएगी। उसके बाद हम फटाफट से पराठे बनाएंगे, आटे का इंतजाम करेंगे, और ये पराठा भी हमने बना लिया है, सब्जी भी हमारी बन चुकी है। तो हम इनका जल्दी जल्दी से टिफ़िन बांध देते हैं। टिफ़िन बांधने के बाद अभी हमें जाना है हॉस्पिटल, हमारी मौसी को बेटा हुआ है, 3 दिन हो गए हैं, तो वहीं जाने की तैयारी है। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से ये सारे काम निपटा दें, बच्चों को स्कूल भेज दें और उसके बाद हम अपनी तैयारी करें। तो देखिए आयुष्मान भी हमारे उठ गए हैं सोकर, इनका सवेरा हो गया है, ये अभी अभी सो के उठे हैं, और बड़ी बिटिया नहा चुकी हैं, वो अपना तैयार भी हो गई हैं, ड्रेस वगैरह उन्होंने पहन ली है, चोटी करनी रह गई है, तो ये चोटी आखिरी में करेंगी। तब तक आयुष्मान नहा के आ गए हैं, तो इनको हम रेडी कर रहे हैं, इनको ड्रेस पहना रहे हैं, इनको तैयार करना पड़ता है
दोनों बेटियां तो अपने हाथ से तैयार हो जाती हैं, लेकिन भैया को तैयार करना पड़ता है क्योंकि ये छोटे हैं और अपने हाथ से तैयार नहीं हो पाते हैं। और ये तैयार हो गए हैं और इनको भी अब हमने स्कूल भेज तो दिया देखिए है। दोस्तों, हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। हमें हॉस्पिटल जाना था लेकिन बहुत तेज से बारिश होने लगी है जिसकी वजह से हम जा नहीं पाए हैं। हम दोनों लोग रेडी हैं बिल्कुल जाने के लिए। जैसे ही मौसम सही होता है वैसे हमें निकलना है, लेकिन बारिश देखकर तो नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी ये मौसम सही होगा, इतनी जल्दी मौसम साफ होगा। तो देखते हैं, अगर खुल जाएगा मौसम तो हम लोग जाएंगे, नहीं खुलेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। मौसी को बेटा हुआ था, आज 3 दिन हो गए हैं, तो वो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। तो हमने सोचा था कि हॉस्पिटल में जाके देख आएंगे, लेकिन अभी तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। हो सकता है कल वो घर भी चली जाएं, उनकी छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। चलिए हम आपको थोड़ी सी बारिश भी दिखा देते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और हम लोग तैयार हो गए थे ऑफिस की, इन्होंने छुट्टी भी कर ली थी आज कि नहीं जाएंगे ऑफिस, लेकिन क्या करें, हम लोग ना इधर के बच्चे ना उधर के। ये देखिए कितनी तेज़ से बारिश हो रही है, शायद आप देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत तेज से बारिश हो रही है। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, ये देखिए बहुत तेज से बारिश है। इतने तेज बारिश है कि अगर हम लोग 2 मिनट के लिए भी खुले में आ जाएं तो पूरी तरह से भीग जाएंगे। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये पानी बंद होगा आज। हमारी फोर व्हीलर इस समय है नहीं, हमारी ननद के घर पे है, तो हमें इस टाइम कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और कहीं भी हमें जाना होता है तो हमें दोपहिया से ही जाना पड़ता है। टू व्हीलर से हम जब जाते हैं तो हमें बड़ा डर लगता रहता है कि कहीं हम बारिश में भीग ना जाएँ, क्योंकि अभी तक हम भीगे नहीं हैं और अगर भीग गए एक दिन भी तो फीवर ज़रूर आएगा दोस्तों, क्योंकि सभी को आ रहा है। जो भी बारिश में भीग जा रहा है इस टाइम उसको फीवर आ रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम बारिश में भीगें। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है हमारे यहाँ लखनऊ में। हम हैं तो लखनऊ का सीन दिखा रहे हैं। लखनऊ में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, 10 बजे हैं अभी सुबह के और 10 बजे ही बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए दोस्तों, हम फिर से जा रहे हैं नीचे और मौसम सही होगा, अच्छा होगा मौसम, तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। मैंने फ़ोन करके भी बता दिया था मौसी को कि हम आ रहे हैं, वो वेट भी कर रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब हम नहीं जा पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ से बारिश हो रही है। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हमारे कपड़े भी सारे गीले हो गए हैं। हमें पता ही नहीं था, बिल्कुल भी हमें ध्यान नहीं था कि हमारे कपड़े भी ऊपर पड़े हुए हैं। और यहाँ आए हैं हम अभी तो देखे हैं कि यहाँ हमारे कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो हमारा जाना हो गया है कैंसिल, अब हम नहीं जाएंगे और देखेंगे कल मौसम अगर सही रहेगा तो हम लोग कल निकलेंगे और कल घूम के आएंगे, देख के आएंगे मौसी को और बाबू को भी हम लोग देखेंगे, आज नहीं गए हैं। तो देखिए हमारे कितने सब ढेर सारे कपड़े फैले हुए थे और सारे गीले हो गए हैं। ये देखिए आंगन में नीचे पानी जा रहा था तो यहाँ पे पन्नी डाली गई है, तो जो ब्लैक कलर की पन्नी आप लोग देख रहे हैं ये हमारा आंगन है। तो जब बारिश शुरू हुई है तो ये हमने पहले ही डाल दी थी, 8-10 दिन पहले हमने ये पन्नी लगा दी थी, लेकिन अभी थोड़ा तेज़ तेज़ से हवाएं चलने लगी थी जिसकी वजह से ये पन्नी उड़ गई थी, तो नीचे पानी जाने लगा था, नीचे आंगन में पानी जा रहा था, तो यहाँ पर उसको हमने फिर से सही किया है। तो अब ये नीचे पानी नहीं जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं ईंटें लगे हुए हैं चारों तरफ से, बाहर निकल के नहीं बनाएंगे नहीं तो हम भीग जाएंगे। तो देखिए हमारे कपड़े भी सब गीले हो गए हैं, ये सब सारे कपड़े सूख गए थे, थोड़े थोड़े से ही बाकी थे, लेकिन अचानक से तेज़ बारिश होने की वजह से भीग गए हैं।